गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंजीनियरिंग अमितेश क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों आज कल हम परसों राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो आज हम क्या करेंगे, आज उस पर बेस कुछ क्वेश्चन लेंगे जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों। जैसे मैं आपको क्वेश्चन सर हमारा फोर है और ये थ्री है, ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्या ट्रिपलेट आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग थ्री फोर और फाइव का जब हम क्या निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं, तो कैसे निकल करते आता है ये समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ थ्री है, यहाँ फोर है और यहाँ आपको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ, क्योंकि ये भी चीज़ तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में कितना 90 डिग्री का है, ये आपको क्लियर है कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है। दोस्तों ये कोण आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल किसके लिए करेंगे, ये थ्री है ये फोर है, तो हमने ठीक बताया था राइट एंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था। मतलब क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी फॉर्मूला आपको बताया था। अब इसमें आपको अभी कर्ण नहीं पता, कर्ण नहीं पता, ये पता ही नहीं पता, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, कितना हमारा तीन का स्क्वायर प्लस का फोर का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए थ्री टू का कितना हो जाता है 9 हो जाता है, 9 हो जाए फोर टू का कितना 13 हो जाता है, कर्ण का अंडर रूट कितना, कर्ण हमारा कितना है 2 है, उसके मीटर क्या है कितना आ जाएगा, हमें 5 आ जाएगा यहाँ, तो जब ये 5 आएगा तो यहाँ कितना रख देंगे 5 रख देंगे। अब इसमें अगर जो आपसे कहे कि इसकी वैल्यू निकालनी टैन थीटा, ये एंगल अगर जो थीटा है, ये एंगल कितना है थीटा, ये हमारा ट्रायंगल कितना ए बी और सी है, और अगर जो आपको इसमें कह दे कि आपको टैन थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखो कह दे टैन थीटा इक्वल टू वैल्यू हमको फाइंड कर, हमको पता नहीं। अब ये बात तो हमको एक क्लियर है, बात हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अगर जो आपको टैन थीटा निकालना है, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक होती है, क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक, तो टैन थीटा आपको निकालनी, मतलब ये एंगल सी निकालना है आपको, तो टैन थीटा का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे क्या होता है आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये क्या हो गया थ्री और बेस कितना है फोर, टैन थीटा इक्वल टू निकला है 3/4, ठीक है। अब अगर जो इसी में कह दें कि आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा कैसे निकालो, देखो साइन थीटा अगर निकल इसको निरेज कर देते हैं, फिर समझाते हैं, नोट कर ले, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, ये सारी चीज़ें निकल रही थी, आपको निकालना है जैसे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा का क्या होता है, ये आपको निकालना है कि साइन थीटा की वैल्यू आप लिफ्ट आपको फाइंड करनी चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना 5, तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक, ये साइन थीटा की वैल्यू। अगर आप पहले कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, तो कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा है ये वाला है हमारा, कर्ण कौन सा है ये, तो आधार बटे कर्ण ये हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार कितना है हमारा, अब कर्ण कितना है 5, तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसको आधार बटे कर्ण, ये तो टैन हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, ठीक। अब इसी में आप अगर जो आपसे क्या कह दे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा कह दे, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसमें होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके उल्टा हो जाता है, टैन के उल्टा हो जाता है, तो बेस कितना है 4 और अपॉन क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 4/3 आ जाएगा। ये किसकी आ गई, cot थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों। तो sin थीटा cos थीटा cot थीटा की वैल्यू आपके पास निकल करके आ गई। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो cosec थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, cosec थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा के उल्टा होता है। sin थीटा के उल्टा होता है मतलब ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाता है, तो इसका कर्ण बटे लंब हो जाता है। इसको हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। कर्ण बटे क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कर्ण कितना है 5 और लंब कितना है हमारा 3। ये कोसेक थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। अब सेक थीटा अगर आपको निकालना तो सेक थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा होता है। बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस। में हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो हाइपोटेनस कितना है ये, और हाइपोटेनस अपॉन क्या हो गया, बेस। अब सेक थीटा कॉस थीटा कॉस साइन थीटा कोसेक थीटा साइन सारी इनको वैल्यू क्या कर गई, पता चल गई, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इससे एक बात प्रूफ होती है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया है और उसमें कोई आपको क्या कोई एक आर्म निकालनी है, जैसे इसमें हमको 4 दिया और 3 निकालना 5 निकाल दिए हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। फिर इसमें पूछ लेगा टैन थीटा की वैल्यू बताओ, साइन थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, इस क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो हम और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर लेंगे दोस्तों। तो बताइए आप जो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।